दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली BSF पर है। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस BSF है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही अपनी फर्स्ट चॉइस बना। अगर आपने भर दिए तो भी एक बार आप जरूर देख लीजिए कि आपने जो गलती की है या सही किया है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि BSF के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं पता, लाड लो आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता BSF के बारे में, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लाड लो एक बार आप जरूर देखिए जो मैं बातें बताने वाला हूँ BSF के बारे में, उसको जरूर अच्छे से सुनिए। BSF अगर आपकी फर्स्ट चॉइस है तो आपको जरूर देखना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता है। लाडलो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में ड्यूटी BSF की सैलरी, BSF की जो कौन कौन से कमांडो फोर्सेस है जिसमें आप BSF ज्वाइन करके जा सकते हो, इसके अलावा सैलरी ड्यूटी BSF की जो और जिस किस किस फोर्स में आप जैसे BSF से ड्यूटी कमांडो जा सकते हो, डेपुटेशन जा सकते हो, ठीक है, इसके अलावा प्रमोशन, लीव यानी छुट्टियों के बारे में कि BSF की कौन कौन सी छुट्टियां किस प्रकार से मिलती है, उन सभी के बारे में। और BSF की सबसे मुख्य चीज है ड्यूटी, बाकी सब चीजें बाद में, सबसे पहले क्या है लाड लो, सबसे पहले है ड्यूटी, उसके बाद में बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है सारी चीजें, फिर मैं आपको क्रम से बताता हूँ हर एक चीज के बारे में, A to Z तक सारे के सारे पॉइंट BSF के बारे में, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के, आपको ये बातें जानना बहुत ही जरूरी है। एक चीज और बता देता हूँ लाडो की, अगर आप इस बार SSGD का पहली बार फॉर्म लगाए या पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो SSGD के लिए एग्जाम कार्ड की बहुत ही अच्छी सी गाइड बुक आती है। गाइड बुक किसको बोलते हैं, इसमें सभी प्रकार का सिलेबस होता है और पूरा का पूरा सिलेबस होता है नए सिलेबस के नियमों के अनुसार, यानी SSGD के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ रहता है उसी सिलेबस का निचोड़ इस बुक में दिया रहता है। आप और भी गाइडों से पढ़ रहे कोई बात नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन गाइड बुक भी आपके पास होती है। गाइड बुक का मतलब है ये आपको गाइड करती है कि क्या पढ़ना है, यानी जो चीजें आप पढ़ रहे हैं क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें सभी प्रकार का यानी पूरा पूरा सिलेबस, मतलब थ्योरिकल रूप से भी दिया, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी दिए हैं, मॉडल पेपर भी दिए गया है। तो यानी आप इस बुक से पढ़ के काफी अच्छा स्कोर जब आप करोगे तो उसमें ये बुक काफी फायदेमंद रहेगी आपके। जिस दिन आप एग्जाम दोगे आप इस चीज को फील करोगे लाड दो, क्योंकि ये पूरी की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, काफी बड़ी बुक है, छोटी सी बुक नहीं है, काफी बड़ी बुक है लाड दो। तो अगर आप पहली बार तैयारी करें तो आपको जरूर लेना चाहिए। इसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका लिंक, जो एक अमेजन का है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, अमेजन पर रैंकिंग फर्स्ट है इस बुक की। ठीक है लाड, अब बात करते हैं कि BSF की ड्यूटी। बहुत सारे बच्चों को शायद यही लगता है कि ये बॉर्डर फोर्स है, कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में ही काम करती है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले बात तो बता दूं, BSF सर्वाधिक विश्व की एकमात्र बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करने वाला सबसे बड़ा बल है और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें ड्यूटी टाइप्स ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार CRPF में टाइप्स ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा, उसी प्रकार BSF में भी बहुत ज्यादा। कैसे, जैसे BSF में मैं आप अगर आपको बताऊं, देखो पेट्रोलिंग ड्यूटी भी होती है, मोर्चा ड्यूटी होती है, लाइन एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई, इसके अलावा निंजा कमांडो, इसकी पर्सनल कमांडो फोर्स भी है, ठीक है, सबमरीन भी है, इसका पर्सनल मरीन जो वो है वो भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करती करती है। इसके अलावा VIP प्रोटेक्शन ग्रुप भी है इसका, इससे NSG कमांडो भी बनते हैं, SPG कमांडो भी बनते हैं, NDRF में भी जाते हैं, यानी बहुत टाइप्स ऑफ ड्यूटी है, बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी नहीं है। लेकिन हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी पहली प्रायोरिटी कौन है, बॉर्डर की रक्षा करना। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप सभी को पता है सबसे जो लंबी रेखा लगती है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश की जो रेखा है, कि हमारा जहाँ हमेशा खतरा बना रहता है, उसकी फोर्स की उसकी ड्यूटी कौन करता है, उसकी देखभाल करता है BSF। ठीक है, उसके अलावा जैसे जो मैंने आपको ड्यूटियाँ बताई है NSG में, SPG में, NDRF में, इसके अलावा VIP प्रोटेक्शन में भी इसकी 10 बटालियन है, महिला बटालियन भी, और भी कई प्रकार की ड्यूटी, जो मैंने ये ड्यूटियाँ बताई सभी प्रकार के लड़के और लड़कियों सभी की लगती है लाडू। पेट्रोलिंग ड्यूटी होगी, गैस ड्यूटी होगी, जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर मोर्चा ड्यूटी होगी, ये लड़के और लड़कियाँ दोनों की लगती है, ऐसा नहीं कि लड़कियों की नहीं लगती। इसकी जो पर्सनल फोर्स है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कमांडो इसकी पर्सनल कमांडो फोर्स भी है। ठीक है, निंजा कमांडो CISF की फोर्स है, जैसे उसी प्रकार इसकी कौन सी है, क्रोकोडाइल कमांडो लाड, कौन सी है, क्रोकोडाइल कमांडो इसकी। तो ड्यूटी इसमें काफी टाइप्स की होती है, कोई एक ही टाइप की ड्यूटी नहीं होती है, बहुत सारी टाइप्स की
ड्यूटी होती है जो कि अलग अलग समय पर हर 3 साल बाद में आपकी चेंज होती रहती है। सैलरी की अगर बात करें बीएसएफ में काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि बीएसएफ आप सभी बताया भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की रक्षा करता है, यानी काफ़ी रिस्क वाला मामला है। रिस्क के मामले में जहाँ रिस्क है वहाँ फौजी फिक्स है, और वहाँ पर पेमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे अगर बीएसएफ के जवान वो जम्मू में ड्यूटी करते हैं तो उनको 20,400 के प्लस आसपास रिस्क अमाउंट मिलता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा राशि ये पेमेंट के अलावा मिलती है। ठीक है, तो इन्हें काफ़ी बड़ा रिस्क अलाउंस है अगर वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा कमांडो फोर्स, जैसे मैंने बताया कि इससे इसका पर्सनल जो कमांडो क्रोकोडाइल कमांडो, जिसको स्पेशली ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए या स्पेशल पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए, इसके अलावा और भी कई प्रकार से काम में लिया जाता है। ठीक है, अब जो कमांडो है वो एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, एसपीजी कमांडो बन सकते हैं, और भी कई जो कमांडो है उनमें ये जा सकते हैं लड़। मुख्य रूप से आप और जो फेमस कमांडो की अगर बात करें तो एसपीजी और एनएसजी और एनडीआरएफ। ठीक है, इनमें से कमांडो फोर्स एनएसजी और एसपीजी, ये 2 फोर्स है जो क्या है कमांडो फोर्स है। डेपुटेशन की बात करें तो बी एस एफ से जैसे आईबी में जाते हैं, सीबीआई में जाते हैं, यानी सीबीआई में जाते हैं, सीआईडी में जाते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाते हैं, और भी कई जगह। इस पर डेपुटेशन का मतलब हो गया कि एक बल से दूसरे बल में कुछ समय के लिए जाना। जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो अपनी कोई वैकेंसी नहीं कराता, इसके प्रोटेक्शन में जाते हैं, सीबीआई के प्रोटेक्शन में जाते हैं, सीआईडी के प्रोटेक्शन में जाते हैं, और भी इस प्रकार के कई फोर्सेस हैं जिनके प्रोटेक्शन में कौन जाते हैं, बीएसएफ जाते हैं। जैसे वीआईपी बटालियंस के भी में जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनों की सिक्योरिटी में भी जाते हैं। जैसे एनआईजी में भी एक प्रकार से डेपुटेशन हो गया, एसपीजी में भी एक प्रकार का डेपुटेशन हो गया, यानी वहाँ पे कुछ समय के लिए जाते हैं फिर वापस अपने ही बल में आ जाते हैं। तो ऐसी ड्यूटी भी इसकी होती है। प्रमोशन अगर आप बीएसएफ की बात करें तो आप एग्जाम के द्वारा 4 साल सर्विस करने के बाद में, और अगर आपके साइंस में है तो आप 2 साल के बाद में रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो साइंस मैथ नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो उस कंडीशन में लौट, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन करके आपके साइंस में नहीं है तो उस कंडीशन में प्रमोशन 17 से 18 साल बाद होता है। एक सिपाही का हेड कॉन्स्टेबल बनने के लिए कितना समय लग जाता है, 17 से 18 साल का समय इजीली लग जाता है। इजीली का मतलब बहुत ही आसानी से लग जाता है, बहुत ही आराम से लग जाता है। ठीक है, अब बात करें छुट्टी की, तो इसकी जो छुट्टियां लाड लो, टोटल 75 डेज की छुट्टियां हैं। कितने डेज की, 75 डेज की छुट्टियां हैं, 60 दिन ये, 15 डेज सेल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ लाड, बीएसएफ के बारे में। जैसे आपको ये जानकारी है बीएसएफ बहुत ही बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, अगर आपके पास तो इसे कोई शक नहीं है कि बहुत ही प्यारी फोर्स है, और बताने इसके बारे में बच्चा बच्चा आज जानता है, इसकी वर्दी के बारे में, कैसी वर्दी पहनते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है। रेगिस्तान के मरुस्थलों में ऊँट पे पेट्रोलिंग करने की वीडियो आपने बहुत देखे। तो बीएसएफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, बीएसएफ में प्राउड की बात है, फर्स्ट चॉइस दे सकते हो, कोई शक नहीं है बीएसएफ में। ठीक है, इसकी जो सुविधाएं मैं आपको बता दूं, ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है लाडू। ठीक है, गृह मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंदर चार्ज नहीं आती। इसमें जो कैंटीन सुविधा है वो सीडी सीपी से कैंटीन सुविधा मिलती है, सीडीएस नहीं। पेंशन की सुविधा वो एनपीएस पेंशन की सुविधा, जो बाकी सभी फोर्सेज में पैरामिलिट्री फोर्स में वही इसमें एनपीएस की पेंशन सुविधा है। हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेडिकल सुविधा, हाँ जी मेडिकल सुविधा भी इसमें मिलती है आपको, हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है आपके साथ में, आपके पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी ये सुविधाएं मिलती है। तो इसीलिए अगर आप बीएसएफ फर्स्ट चॉइस देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, तो बहुत ही प्यारी और लाजवाब फोर्स है बीएसएफ। ठीक है, आपने अगर दी है तो भी अच्छा है, और अगर आपने कोई वो फोर्स दी तो आप उस फोर्स से भी प्यार करते होंगे, और अगर आपने नहीं दिया तो बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता दिया कि किस प्रकार से ड्यूटी है, कितनी ड्यूटी, कितनी टाइप ऑफ ड्यूटी ये करती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत लाल।